राज्य विधानमंडल का बजट अधिवेशन 3 से 25 मार्च तक मुंबई में ही होने की जानकारी मंत्री अनिल परब ने दी। इस पर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का विदर्भ विरोधी चेहरा सामने आ गया है, नागपुर में अधिवेशन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा भी उन्होंने कहा। हमने उनको कहा कि अगर आपको विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप क्यों हमको यहाँ पर बुलाते हो। उस पर अध्यक्ष जी ने ये कहा कि इस प्रकार की गलती आगे नहीं होगी और हम इसके बाद विपक्ष को पूरा बोलने का मौका देंगे। लेकिन आज पूरे तरीके से सरकार का विदर्भ विरोधी चेहरा ये सामने आया है और फिर एक बार नागपुर में अधिवेशन लेने से सरकार ने इनकार कर दिया है। जो एक करार नागपुर का हुआ था उसके तहत नागपुर में अधिवेशन लेना ये बंधनकारक है, किंतु जिस दिन इन्होंने नागपुर की घोषणा की थी तब से हम ध्यान देकर थे। नागपुर में एक भी व्यवस्था इन्होंने खड़ी नहीं की, एक पैसा भी अधिवेशन के लिए नहीं दिया और आज बताया वहाँ व्यवस्था नहीं है इसलिए हम अधिवेशन नहीं कर सकते। ये सारी झूठी बातें और सरकार के इस रवैये का हमने निषेध किया है। सरकार विदर्भ के साथ अन्याय कर रही, मराठवाड़ा के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने वैधानिक विकास मंडल समाप्त कर दिया है और अब ये अन्याय इनका चल रहा है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।